तो आज की जो क्लास है उसमें हम लूप का एग्जाम्पल देखने वाले हैं और हम आज ये तीन प्रैक्टिकल्स करके देखेंगे, इस तरीके के पैटर्न प्रिंट कराएंगे। तो कोई भी लैंग्वेज हो आपकी, चाहे वो जावा हो, सी हो, सी प्लस प्लस हो, PHP, जावा स्क्रिप्ट, और भी कोई भी लैंग्वेज हो, उनका सिंटेक्स बस चेंज होता है, उनका पैटर्न जो है और उसका लॉजिक जो है, कंसेप्ट जो है वो चेंज नहीं होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी पैटर्न इस तरीके का प्रिंट करना है तो आपको रो और कॉलम में उसको डिवाइड करना होगा। तो इन तीनों ही पैटर्न में आप देख पा रहे हैं कि पांच रो और पांच कॉलम दिखाई दे रहे हैं, और इसमें रो और कॉलम में जो एक रिलेशन है वो है कि जो कॉलम है वो डिपेंड कर रहा है रो पर, यानी कि जितनी रो है, जो रो नंबर है, ये रो नंबर वन है तो एक कॉलम, रो नंबर टू में दो कॉलम, थ्री में तीन कॉलम, इस तरीके से ये जो कॉलम की संख्या है वो रो पे डिपेंड कर रही है। तो इन तीनों चीजों को हमको फॉर्मूला में देना होगा। प्लस यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है, जब भी कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा रो और कॉलम के रूप में, तो इसके लिए आपको दो लूप लगाने होते हैं। एक लूप होता है रो के लिए और एक होता है कॉलम के लिए। हमेशा आपको याद रखना है कि जो अंदर का जो लूप है या जो इनर लूप है वो हमेशा कॉलम के लिए होता है, आउटर लूप हमेशा रो के लिए होता है। तो रो और कॉलम के लिए आप दो लूप बनाइए। यहाँ पर भी आपको लूप के लिए फॉर, वाइल और डू वाइल मिलेंगे। तो मैं एक स्ट्रक्चर तैयार कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक फॉर लिखा है और उसके अंदर एक और फॉर लिखा हुआ है, क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा, जावा स्क्रिप्ट, PHP, ASP, JSP, एंड्रॉयड, जो भी लैंग्वेज हो, यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। ये अंदर का जो लूप है वो होता है कॉलम के लिए, बाहर का जो लूप है वो होता है रो के लिए, क्लियर है। अब यहाँ पर फॉर लूप में आपको रो की संख्या डिफाइन करनी है। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि रो आपकी जो है वो 5 है, तो आप यहाँ पर लूप चला सकते हैं। इसके लिए मैंने रो के लिए यहाँ पर वेरिएबल लिया है आर, और आर की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, या 5 ले लेते हैं। इसको 0 से स्टार्ट करते हैं और 5 में खत्म कर देते हैं, और यहाँ पर मैंने आर प्लस प्लस कर दिया, क्लियर है। सेम वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या करना है हमको, सी इज इक्वल टू 0, और इसकी संख्या जो है वो डिपेंड कर रही है, मैंने पहले 5 लिख देते हैं हम लोग, फिर उसको देखेंगे, और सी प्लस प्लस। ये पांच रो और पांच कॉलम का पैटर्न तैयार करेगा। इसके बीच में आपको पैटर्न लिखना है। अगर आप सी लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो प्रिंट एफ लिखेंगे, अगर आप सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं तो सी आउट लिखेंगे, अगर आप जावा में काम कर रहे हैं तो आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना होगा, अगर आप जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखना होगा, और आप PHP में काम कर रहे हैं तो इको लिखना होगा। तो आप बस देख रहे हैं कि सिंटेक्स चेंज हो रहा है, यहाँ पर लिखने का तरीका बस चेंज हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, पहला पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं इसलिए हम स्टार लिखेंगे यहाँ पर, क्लियर है। और यहाँ पर एक लूप खत्म, ये जो इनर लूप है ये कॉलम के लिए होता है, कॉलम मतलब इसके लिए, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, यानी कि ये 4 बार चलेगा, उसके बाद लाइन चेंज होनी है, यहाँ पर लाइन चेंज होनी है, फिर 5 बार चलेगा, फिर लाइन चेंज होनी है। तो हमेशा याद रखना है आपको कि पहले लूप खत्म होने के बाद आपको लाइन चेंज करने का कोड लिखना है। हर लैंग्वेज में लाइन चेंज करने का कोड अलग अलग होता है। सी में स्लैश एन होता है, जैसे आप सी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर स्लैश एन लिखना होगा, प्रिंट एफ के बाद आपको स्लैश एन लिखना होगा। अगर आप सी प्लस प्लस में काम कर रहे हैं तो आपको एंड एल लिखना होता है, ऐसा लिखना होता है डॉक्यूमेंट। और आप अगर जावा स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर आपको बी आर लिखना होता है। बी आर टैग जो है वो काम करता है आपका न्यू लाइन पर ले जाने का। तो चूंकि हम वेब टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो चाहे वो जावा स्क्रिप्ट हो, PHP हो, JSP हो, सब में बी आर ही लिखना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीधा बी आर नहीं लिखेंगे, बल्कि इको लिखेंगे बी आर,
और आपको पता है कि ईको में आप br लिखेंगे तो वो html में br जाएगा और कंपाइल होकर के लाइन चेंज कर देगा, क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है वो html के रूप में होता है। तो अब आपका फॉर्मेट यहाँ पर रेडी है, और यही फॉर्मेट में केवल नंबर्स चेंज करने हैं। नंबर्स चेंज करके आप ये सारी चीजें को एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप PHP में काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे वेरिएबल के सामने, ये जो आर जो है वो आपका वेरिएबल है, सारे वेरिएबल्स के सामने आपको डॉलर लगाना होगा, सिर्फ इतना। मैंने जानबूझ के डॉलर नहीं लगाया है, क्योंकि आप इसको पुरानी लैंग्वेज से मैच करा करके देख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू के सामने डॉलर लगाना होगा। ये हमारा कोड रेडी है, इस कोड को हम अपने PHP में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और PHP में एग्जीक्यूट करने के लिए हम चलते हैं PHP के जैम सर्वर पर। पहले हम जैम सर्वर के सर्वर को स्टार्ट करेंगे, लोकल होस्ट पर उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। एक सेकेंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी, मैं जैम सर्वर स्टार्ट कर रहा हूँ।